प्रदेश में गर्मी बरकरार है। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दो दिन बाद प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जता दी है। गर्मी ने राजस्थान को अपनी चपेट में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। राज्य के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा, तो वहीं कुछ जिलों में 40 के आसपास अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 और 6 अप्रैल को इन दोनों संभागों में तेज आंधी और बारिश संकट खड़ा कर सकती है। दोनों संभागों के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी से अब आम आदमी के साथ किसान भी आशंकित हो गए हैं। लोगों को दिन में तेज धूप परेशान कर रही है, लेकिन रात में हल्की ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री से नीचे है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश में जल्द ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेगा। 5 से 6 अप्रैल को नया विक्षोभ सक्रिय होने से राजस्थान के जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू जिलों में इसका प्रभाव दिखेगा। 5 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में विक्षोभ का असर नजर आएगा। पूर्वानुमान है कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में धूल भरी हवाएं करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को कुछ जिलों में धूल भरी आंधी के साथ ही मेघ गर्जन और हल्की बूंदाबांदी होगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधियां चलेंगी। इसके अलावा कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। गौरतलब है कि 21 मार्च की रात बीकानेर संभाग में आए अंधड़ ने किसानों को करीब 100 करोड़ का नुकसान दिया। तब किसानों की कटी हुई फसलें खेत में थी। इस नुकसान को लेकर अभी तक आंकलन चल रहा है। माना जा रहा है कि अकेले बीकानेर में 100 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान किसानों को हुआ। अब एक बार फिर मौसम विभाग की इस चेतावनी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।